नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीएल संतोष से मंत्री बृजेश पाठक, स्वाति सिंह और मोहसिन रजा ने मुलाकात की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर मुख्यालय से बाहर निकले मंत्रियों से बात की। मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कंट्रोल किया गया और सेवाई संगठन में कितने कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं उसके बाद विशेष रूप से आगे सोच रहे हैं वैसा कुछ बात नहीं। जहाँ पे हमारे ऐसे राष्ट्रीय नेता जाते हैं वहाँ पर जिस स्थान पे जाते हैं कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। ये हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है ताकि प्रदेश की 23 करोड़ जनता की कैसे और सेवा की जाए। तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आए हुए हैं तो आज लखनऊ के सांसद और विधायक और एजेंसी उनके साथ एक परिचय और उनका अपना खुद का बैकग्राउंड क्या है राजनीति का तो इतनी सी बात पर्चे जाने में और कोई बात नहीं। भाजपा मुख्यालय पर आज लगातार तीसरे दिन बैठकों का दौर जारी है। बीएल संतोष के साथ लगातार मंत्रियां बैठकें कर रही हैं। बीएल संतोष के साथ मिलने बृजेश पाठक, मंत्री स्वाति सिंह सहित तमाम लोग यहां पर मिलने पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विधायक और सांसद भी यहां पर मिलने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अभी उनसे कोई मुलाकात नहीं की गई। आपको बता दें कि लगातार जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया था उसको लेकर ये बैठकें का दौर जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संतोष, बीएल संतोष ये लोगों से 10 सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट था उसका कारण क्या था। वहीं दूसरी तरफ सरकार और संगठन में क्या समन्वय है इसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति तय की जाती है और बैठकों में क्या निष्कर्ष निकलता है। सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़।